बेटा जी बेटा क्या हुआ, क्या पेश आया कि वाला साहब आप यहाँ पे आपकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे? जबरदस्ती वो करा रहे थे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 12 साल। आपकी रजामंदी है शादी करने की? ना। आप वहाँ पे नहीं करना चाहती? ना। तो फिर ये क्या वाकया पेश है, आपकी जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हैं? वो जबरदस्ती कर रहे थे। मजीद लेगा अपनी बची ना, बारिश में रोती पिटती वहाँ मेरा सिर पर चिड़ो भी नहीं था, पैर बूट भी नहीं था, उन्होंने मेरा कपड़ा मेरा चीड़ का काट मेरी का सर रात दौड़े हो तो मैं अपनी जान कटी है, वो अपनी बची की भी हाथ कटी है, मैं अपनी जान कटी है तो चिकड़ मुँह आग कुरान मजीद लेकर गोल मामा के आई हूँ, मुँह अपनी फरियाद लेके आई हूँ, मुँह से डरा फरियाद लेके आई हूँ अपनी, मेरे साहब को कोई जबड़ी को कोई मेरा नान खड़े। जबरदस्ती शादी करवा रहे थे? जबरदस्ती वो करा रहे थे। आपकी उम्र कितनी है? उम्र 12 साल। आपकी रजामंदी है शादी करने की? ना। आप वहाँ पे नहीं करना चाहती? ना। तो फिर ये क्या वाकया पेश है, आपकी जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हैं? वो जबरदस्ती कर रहे थे। आपको जबरदस्ती आपकी शादी करवाना चाहते हैं? हाँ जी, जबरदस्ती करा रहे थे। आपका दिल वहाँ पे मानता है शादी का, नहीं मानता? ना, मैंने मारे था, मेरा बाप ने मारे था, हमने मारे था, ते मेरा अबू ने रात पिस्तौल गल पर रखे था, कलमा पढ़ते ना मारा है थे, हाँ टीन पैदा कर, मेरी मर्जी ही नहीं हो जा, हम नहीं करती उस लड़ाई में, कुरान पाक ले गए हैं कुल मामा ने, हमने क्यों अल्लाह वास्ते हम हमारे जान कुर्ता है ना थे, वो नहीं करती उस लड़ाई में, बारिश में मेरी अम्मी मारी है, मेरे अबू मारे हो फौजी ने करूँ बटा मारे हैं फड़ मारी है इन्हें मार मार के आया है कि जब बच्ची हम ना रिश्तों दे, इन्हें अनकार करी है, इसकी बीवी ने करी है, अनवर जैब ने करी है कि मेरी बच्ची नाबालक है, पी बच्ची खुद रोती पिटती रही है, मुनकर है कि माँ बाप ना की हो मैं खुदा वास्ते इत रिश्तों न दियो, यह गल हुई है। उसके बाद रात इनका कहण के मुताबिक हूँ काफ़ी दूर है, इनका कहण के मुताबिक जो है कि रात 9-10 बजे इन जड़ा आदमियों को इन्हें ना लियो है, इन्हें आन के रात 9-10 बजे इसको डाको मारे हो है। जिसके बेच इसना भी मार तारिया है, इसका मुंह का अल्फाज है उकड़े नहीं थो, मैंने भी अरा मार तारिया है, इसकी इस बीवी ने भी मारिया है, इसका कपड़ा फाड़िया है, उतू ये दो माँ थी या बच्ची और इसकी माँ, ये उतू रात निकल के नठी है, हूँ काफ़ी दूर पर ज्यारत रहूँ मैं, जिस बड़े पहुँची है इनके कुल रियो कुरान पाक चाहे हो, जे शना उंदरू कमरा ते बाहर आए हो इन्हें कुरान पाक मेरा सिर पुतार छोड़ियो, या बच्ची मेरे पैरें चाड़ गई कि हम रब को ना ले के तेरे कुल उस देश से आ रही हैं बारिश के अंत बेचो, हमने इतनों लोग मारे लगो और मैंने अगवा करे लगा, इसकी माँ ने भी की हो इस बच्ची ने भी, ते अल्लाह वास्ते मारो बाज खुदा ते कोई नहीं, हम तेरो ना सुन के तेरे डेरे आ रही हैं, ते अल्लाह ना मान के हमने पनाह दे, मारे पो खुदा की रजा वास्ते हाथ तार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप बहुत चौधरी मुरादाद मीर, इस वक्त मैं मौजूद डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर, मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी मजलूम फैमिली जो कि आपने एक वाक़िया सुना होगा कि सिंध के अंदर कच्चे के डाकुओं का, लेकिन ये वाकिया है सर डॉक्टर रसाला के हवाले का, ये कच्चे के डाकू यहाँ पे भी मौजूद है जो कि जबरदस्ती इस मजलूम फैमिली की 12 साल बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करवाने के लिए रात के 9 बजे डाका डालकर अगवा करने की कोशिश की गई, मजलूम फैमिली जो अपनी जान बचाकर ये फैमिली किसी के यहाँ मौजूद हुई और इस बुजुर्गों को उस इलाके के कच्चे के डाकुओं ने गिरफ्तार करके 3 रोज़ तक अपने पास रखा और आज ये फैमिली डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर मौजूद है और अपनी दर्द भरी दास्तान के साथ इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहानी पेश आई और ये बच्ची जबरदस्ती कौन शादी करके ब्याह करके लेके जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? आलम ज़ैब नाम है। ये क्या वाकया पेश है? बसाला मा। आपकी रिहाइश कौन सी है? बसाला डडर। तो ये आपकी बच्ची के साथ दोस्ती कौन लोग शादी कर रहे थे? यूनुस यूसुफ ये सरफराज सुल्तान। वो क्या जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे? जबरदस्ती डाका कहन के 50-60 आदमी तो ये खड़ दिया से इसको ज़बरदस्ती बन कर मार कर मड़े तो पिस्तौल रख कर किसी ने मदद नहीं करी, ये आ कुरान पाक ले के गोला ला के घर पर जर्द गई, कोई मेरा ना अल्लाह सुहा कोई भी नहीं तो मैंने जा रहनो शहनो बहुत मुश्किल है जी आबो मेरो सत जत के। बड़ी आपकी बेटी है? बड़ी बेटी है, शादी नहीं दी थी, शादी हो गई उसकी।
ये जो छोटी बच्ची है आपकी, इसको जबरदस्ती लेके जा रहे थे? जबरदस्ती खरदिया से रिपोर्ट दी थी, फिर गए जाते थे चल कर, फिर बाद में आकर सरफराज ने पिस्तौल रखे और मेरे को मारा तो मैंने सिर। इसमें क्या बच्ची की रजामंदी है या नहीं है? नहीं, बच्ची की रजामंदी नहीं है। आपके भी रजामंदी नहीं? नहीं नहीं। तो फिर क्यों वो जबरदस्ती कर रहे थे? वो डर या से मेरे साथ। आपकी रिश्तेदारी में आते हैं, फैमिली में आते हैं? जी। आप रिश्ता कहीं और देना चाहते हैं या उनको देंगे रिश्ता आप? ना, उनको नहीं देंगे रिश्ता? ना ना। अभी आप वापस उस इलाके में जाएंगे दोबारा का आप जुल्म ज्यादती करेंगे या जबरदस्ती दोबारा करेंगे? मुँह किस तरह चालक मेरा तो नहीं छोड़ता, मारे वे मारे मैंने। तो अभी आपने कहाँ पे जीत ली? अभी कहाँ पे आप रह रहे हैं? अभी मियाँ गोल लाला गोल। किस जगह पे? फराजारत। फराजारत। ये आपकी बीवी है? क्या वाकया पेश है थोड़ा सा ये बताइएगा। मैं आई हूँ, 12 साल की मेरी बची थी, जबरदस्ती वे रिश्तों खड़े चले था, तो फिर हूँ कुरान पाक ले के आई हूँ, तो बैठ गई अपनी मियाँ गोल मामा का डेरा पर जर्ज, तो अपनी बची ने भी ले के आई हूँ कुरान मजीद ले के उसका डेरे आई हूँ। मेरा ना कोई बंदो मेरा बसा को कोई नहीं खड़े, मेरी सास नहीं लई उसका डेरा ता बड़ी हूँ आके मेरी उसे। फिर मेरा ना थाना ना आयो, थाना दे फिर पुलिस गई है, पुलिस चल गया था, फिर मुड़ी यूसुफ आने कुमार दीन को यूसुफ आने, तो फिर मेरा घर घर डेरे थे वो बात कर थे पैरों से अंदर पिस्तौल उसका सीने पर तरे फौजी ने दरवाज़ा मेरा सरफाज मेरा दरवाज़ा पने मेरी बची मारी है मेरा बच्चा मारी है इनका बेहोश हो है नहीं बची निकी है वो बची नहीं मान नहीं मान। बची की उम्र कितनी है? बची 12 साल। 12 साल है बची की, नहीं मानती तब ना रिश्तेमंदी है जगह जा देने से भी नहीं मेरी नहीं ना बस बची की रिश्तेमंदी है बची की मर्जी भी नहीं ना। तुम और क्या कहना चाहोगे डिपियो मानसरा इंसाफ इंसाफ तुम्हें मिले? इंसाफ मिल जाए मैंने खतरा जाऊँ रहूँगी नहीं जा घुमांड पुआ मैंने आके सरवाज मारे लोगो तो बच्चे मेरे ना मारे घर मस्किन लिसो कोई वारसी नहीं मारो कोई सारा हुआ मिल गई है सारा 50-60 जन कुल वारसी हुआ मिल गई है हाँ मारे अल्लाह की जात को ता मामा का डेरे गोल मामा का डेरे पर हजार ताई कुरान मजीद लेगा अपनी बची ना बारिश में रोती पिटती वहाँ मेरा सिर पर चिड़ो भी नहीं था पहले बूट भी नहीं था उन्होंने मेरा कपड़ा मेरा चीड़ का काट मेरी का सर रात दौड़ो है तो मैं अपनी जान कटी है वो अपनी बची की भी हाथ कटी है मैं अपनी जान कटी है तो चिकड़ मुँह आ कुरान मजीद लेकर गोल मामा का आई हूँ मुँह अपनी फरियाद ले के आई हूँ मुझसे डेरे फरियाद ले के आई हूँ अपनी मेरे साहब को कोई जबड़ी को कोई मेरा नाम नहीं खड़े तो वापस तो खतरा है वो जामा नहीं जा सकते हम नहीं रहता नहीं रहता मारे हम बच्चा मेरा आज कितने दिन है त्रिया दिन लान पड़ान पिछा दिन माँ मैं मेरी बंदर बदी है शुमी लगी बच्चे मेरा लान कोई पता नहीं मेरा बच्चा दाना दाना आया हूँ पिछा दे फिर आग बुआ पर चढ़ने लगा मारे लगा मारा जी नहीं छोड़ता मेरा बच्चा को सो के सिर खाऊंगा प्याज को अरे मारूंगा सरफराज के आकर मैंने बड़ी धमकी दी थी जिस टाइम पुलिस मुड़ कर गई है धमकी दी थी तेरा बचाना भी तेना भी तेरा घर वाली ना पीछे नहीं मुड़न दे सू जालम लोग जालम 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 मास पैसा मेरा दबे जायदाद मेरी दबी है अच्छा वो जहाँ मेरी राश नहीं पैसा मारो नहीं देता मकान मेरा नहीं एक चुपड़ा जहा आकर बेचरों गोला मस्किन है दिहाड़ शहर ला कर बचाना पाड़ू लोगों काम के करना था मुझे आई पर अपनी मजदूरी करूं मैं मजदूरी है करूं गरीबी है कमाण वाला तमना को बड़ा बेटा हो रहा है कोई नहीं कमाण वाला है मेरी एक जान है बस कोई भी नहीं सारा पूत छोटा ही है छोटा ही है कोई कमाई वाला बेटकी तमना कितनी बेटकी तमना बेटकी मेरी त्रै है लेकिन बेटा जी अस्सलाम वालेकुम बेटा के वाकया पेश है कि वाला साहब आप यहां पे आपकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे जबरदस्ती वो करा रहे थे आपकी उम्र कितनी है उम्र 12 साल आपकी रजामंदी है शादी करने की ना आप वहाँ पे नहीं करना चाहती ना तो फिर ये क्या वाकया पेश है आप जबरदस्ती शादी क्यों करना चाहते हैं वो जबरदस्ती कर रहे थे भी आपने किसके घर में आप आई हुई है गोल मामा अंकल वापस आप नहीं जा सकती खतरे आपको जी वो आपको जबरदस्ती आपकी शादी करवाना चाहते हैं हाँ जी जबरदस्ती करा रहे थे आपका दिल वहाँ पे मानता है शादी का नहीं मानता ना मारे था मेरा बाप ने मारे था हमने मारे था
ते मेरा अबू ने रात पिस्तौल गलब रखेंदा है कलमा पढ़ देना मारा है थे हाँ टीन पैदा कर मेरी मर्जी ही नहीं हो जा नहीं करती उस लड़ाना कुरान पाक ले गए कुल मामा ने हमने क्यों अल्लाह वास्ते हम हमारे जान करता है ना थे वो नहीं करती उस लड़ाना बारिश में मेरी अम्मी मारी है मेरा अबू मारे हो फौजी ने करूँ बटा मारे हैं फड़ मारी है इन्हें मार मार गए। वालेकुम सलाम। क्या वाकया पेश है थोड़ा बारे में बताया कि ये आपके हाँ उन्होंने अपना ली वाकया जो है जी जिरे डर बसाड़ा ऊर में पारा ज्यारत ए तीन कटेरे इस बच्ची जड़ी या माशूम मेरे ना 12 साल की बैठी है इनका जितना ग्राई इसका रिश्तेदार है तेर पतेर है वे स्कूले आया है कि जब बच्ची आमना रिश्तों दे इन्हें अनकार करी है इसकी बीवी ने करी है अनवर जैब ने करी है कि मेरी बच्ची नाबालक है पी बच्ची खुद रोती पिटती रही है मनकुर है कि माँ बाप ना की हो मिना खुदा वास्ते इत रिश्तों न दियो जा गल हुई है उसके बाद रात इनका कहण के मुताबिक हूँ काफ़ी दूर है इनका कहण के मुताबिक जो है कि रात 9-10 बजे इन जड़ा आदमियों को इन्हें ना लियो है इन्हें आन के रात 9-10 बजे इसको डाको मारे होए जिसके बीच इसना भी मारता रिया इसका मुंह का अल्फाज है ऊँकड़े नहीं थो मैना भी रहा मारता रिया है इसकी इस बीवी ने भी मारिया इसका कपड़ा फाड़िया है उतू ये दो माँ थी या बच्ची और इसकी माँ ये उतू रात निकल के नठी है हूँ काफ़ी दूर पर ज्यारत रहूँ मैं मेरो एरियो है बफा थाना नाल है ठीक है ये रात तो तकरीबन 12:45 बजे ये मेरे को गई है मैं रियो वाज करियो मेरा बच्चा सोता उठिया कोई बोले रियो ते ये माई जा रही ये ही दो पदों जिस बड़े ये गई है इनकी तो मेरी इतनी डूंगी जान पहचान नहीं इनका लाकाम हूँ चलतो रियो है मैं जारी जिरगा उशन में न सियाने ये जिस बड़े पहुंची है इनका कुल रियो कुरान पाक चाहो है जे शना उंदरू कमरा ते बाहर आयो है इन्हें कुरान पाक मेरा सिर पुतार छोड़ियो या बच्ची मेरे पैरें चाड़ गई कि हम रब को ना ले के तेरे को उस देश से आ रही हैं बारिश के अंत बेचो हमने इतनों लोग मारे लगो और मिना अगवा करे लगा इसकी माँ ने भी की इस बच्ची ने भी ते अल्लाह वास्ते मारो बाज खुदा ते कोई नहीं हम तेरो ना सुन के तेरे डेरे आ रही हैं ते अल्लाह ना मान के हम ना पनाह दे मारे पो खुदा की रजा वास्ते आतार जिस बड़े ये उठ गई हैं मेरा बच्चा ने उठ के इन जुगी रोटी तैयार करी है चाह वगैरह इन्हें किसे शहदा हाथ नहीं करी हो ये रोती पिटती रही हैं नुजी एक जनाजा हो जाए मार जाए ये ऐसा ना मेरा कार रुनी है कुरान पाक चाह के अपरो चौथा रही हो मैं ना क्यों तम ना कोई नहीं मारतो मेरी मौजूदगी माँ ना तम ना जोर का रखे ना अगवा का रखे ठीक है जी इन्हें मैं रात सारी हौसलो दे तो उतू लगो उठे हो जे मैं तू अपनी गड्डी कड़ी है क्यों कानून है कानून हाथ में ले की शे नहीं हम कानून का देश में उतू मैं अपनी गड्डी में बिसाड़ी है ते जे मैं आनी है शनक्यारी थाना शनक्यारी थाना में आन के मारर साहब मौजूद थो इनकी मैं जो वाक्य नाल हो इनकी रिपोर्ट लिखाई है रिपोर्ट लिखाई है जिसके बेच उसी बड़े पुलिस असचो शनक्यारी ने आर्डर करे हो कि इनके पर इतनों बड़ो जुलों में उसी बड़े नफरी ना फोन करे हो कि चलो रात चल कौन जना ना इतू पुलिस गई है 6-7 आदमी गड़ी ले के उन जना के पर जिस बड़े पहुंचा है वे नस किया ते एक उन बिचू पकड़े गियो एक पकड़े गियो उजड़ो थाना मा अवलात मा डकियो है इनकी जा दरखास्त हो ये उस पर ये बच्ची मेरे कुले थाना शनक्यारी ना भी पत्तो है मैं उन्हें दसियो है इन्हें मैं खुदा करियो तम मोड़ के थारे कार ले के तम ना छोड़ू ओ थारे दा ए रोए पिटे ने क्यों इस कुरान ना मान हम तेरा डेरा ते निकला ते हम कत्ल वहाँ मारे जा मेरो बाप जड़ो जे आलम आलम जेब वो भी उदबदियों मारे लगा ते हम ना कत्ल करे अपना कार ते बाहर न कटिए ते खुदा वास्ते हम ना अपने कार पना दे जे ते औरत जात काल सिरी और बच्ची मेरे कार रात 11-12 बजे पहुंची है
ते मैं उनका सिर के पर हाथ धरियो है भी इनको बाप जड़ो आलम जेब है इस बच्ची को वालद लकड़ी बेच के खोता पो ते आन के इन बच्चा ना टेम को आटो दिए लगो और इस टेम तानू उसका बाप ते पूछे जा इन बच्चे ते पूछे जा कि 5 रुपया 10 रुपया भी मेन ते मंगिया जुता पिछागी हूँ थारे ना टुरू है। मैं इस बच्ची ना इस काल श्री बहन ने यह गल कही कि अगर मेरी जान भी चले जाएगी मेरा बच्चा भी खत्म हो जाएगा तम कुरान पाक लेके आइए रब की सच्ची किताब है और थारो हूँ साथ दीऊंगो और जो जालम और जो डिंगा और जो बदमाश जो इत गैर लाको नहीं दरो खैबर नहीं है जनसी नहीं है इत मुसलमाना को मलक पुलिस भी मौजूद इत हर आदमी इंसाफदार और मैं ना कि हूँ बात करूँगा थारी हर आदमी साथ दिएगो जालमा को सामलो करेंगा हूँ आप करूँगो जिसके भी तम ना आ रही है कुरान पाक लेके मेरी मौजूदगी में तम में कोई दिक्कत नहीं हो से और ये मेरे कार है इस बड़े कट इनको वालद साहब रो तो आए हो मासू पाक बच्चो उरे आ बच्चिया ए जो बच्चो आज माँ ना पहुंचे हो त्रोआ चौहान दड़ा बाल जो बच्चो उंगाएर जो बच्चो आज इस माँ ना रोतो रही हो कार लुगा मकान में पखो जो आज आन के इस माई ना पहुंचे हो सुबह 9 बजे और या माई इस कार भी डरते नीचा लखी अपने कार या मेरे कार रोती रही है समझो माल नवीसी इसको एक की दो महस है वे अंदर पानी ते सड़ गई और पुखी बदी है या उत चले वे लोग तमकी दिए इसना मारांगा उसका आपरू दूजी कड़ी गाल करी इस गुजरी रात रात के 2-3 बजे उन्हें फराड करके अपने कार अपनी जनानिया का कपड़ा फाड़ के थाना शिनक्यारी मान के रिपोर्ट करी मेरो कियो कि उसके नाल 10 आदमी था ओ रात ले के मारी जनानिया का डायो ते 50,000 रुपये भी ले गियो ते मारी जनानिया का कपड़ा भी फाड़ गियो मेरो कियो जिसके बीच 10 आदमी अल्फी आ गुआ खुदा का कुरान के पर DPO साहब गए DG साहब गए IG साहब गए समझिया वजीर आला के पी के को उस गए हूँ 10 आदमी पे खुदा कुरान पो करूँ कि हूँ एक ग्राम आ रहा हूँ माजज आदमी है और कोई चढ़े हो गरीब मजलूम जतीम मेरे कुड़े आए हो मैं उसकी मदद करी है उसका सिर पो हाथ धरी हो मेरी इतनी कमजोरी हो है और जालम जड़ो हो मजलूम ना लुटो नालो मारो नालो उसके अगे मैं खड़े हो कि इन्हें न मारिए ये भी खुदा ने पैदा करे ये भी खुदा की पैदाश है ठीक है जी इसके पर यह गल है मेरो अल्फिया बयान है बाकी थाना शिनक्यारी माँ DSP साहब ते लेके SHO ते लेके कैटर शाहजाद साहब ते लेके निका हमला ते लेके उपला तनु बड़ा तनु उन्हें सही करदार अदा करे है और वे इस कोशिश में लगा है एक आदमी ना ले आया है बाकी जड़ा त्रे दूजा नामजादे उन्हें भी चाहूँ की उनकी भरपूर माए ते कोशिश है ठीक है। मैं इन मजलूमा को इन गरीबा को इन बेसारा को मैं जो बयान आन के इन्हें रब के सामने मीडिया आगे मैक के पर तमने रियो कि ये गाल भी नहीं कर रखता डरे लगा कि हम खोल के गाल करा ते हम ना गोली मार छोड़ेगा हम ना को छोड़ेगा और ये मजलूम अपनो बयान भी नहीं कर रखता इतना डराया है इतना खौफ में और खुदा के सामने मुसलमानी है बांग सलात मिले मेरी तमाम अफसरों का DPO साहब का DG साहब का IG साहब का पूरा मारी की पी के को वजीर आला साहब है मेरी तमाम इनका यह गुजारिश है इन गरीबा मजलूमा को नाल ताउन हुए इनकी साथ दे चले आज इन नाजुलों में कल एक दूजा गरीब नाल है कल तीजा नाल है या बच्ची 12 साल की मेरी बच्चियां ते भी निकी है इसका सिर के ऊपर मेरी जाति है बच्ची है या कुरान पाक लेके आई है मैं हाथ तरे हो
कि अगर मेरा बच्चा भी चलता रहे तो बाप बर्बाद, इसकी मैंने साथ देनी है और हक और सच हो तो मेरा जो ही बयान था। नाजरी, ये डिस्ट्रिक्ट मानसरा और थाना शनकैरी की हदूद डाडर बसाला की रिहायशी है और ये मजलूम फैमिली है, मजलूम फैमिली, बेकास फैमिली है और इसके साथ ये 12 साल बच्ची के साथ जो वहाँ के इलाका के लोग हैं जबरदस्ती शादी करवाना चाह रहे थे, जो कि ये अपनी बच्ची को लेकर, ये बंद बच्ची को लेकर मजदूर इलाका लेकर वहाँ से भागी और किसी दूसरे के यहाँ वहाँ पर अपना इसने लिए, और जो इनके बच्ची के वालिद साहब हैं वहाँ पे दो दिन वहाँ पर बांधे रहे, दो दिन के बाद वहाँ पे इनको छोड़ा। लेकिन अभी ये फैमिली की ये रुदाद है, ये फरियाद है कि हमारे साथ मदद कीजिए, हमारे साथ हेल्प कीजिए और हमें इंसाफ़ दिया जाए ताकि हमें वहाँ पर वापस भेजा जाए और जो जो जालिम है, जो जालिम लोगों ने इन पर जो जुल्म करना चाह रहे और बच्ची की जबरदस्ती शादी करना चाह रहे उनको के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर कर उनको कटहरे में लाया जाए ताकि इनको, इनकी फैमिली को इंसाफ़ मिला जाए। मुझे जी ज़्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।